हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइसेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ गर्मियों में यूज की जाने वाली ड्रिंक के बारे में, जो बहुत ही बेनिफिशियल होती है, बहुत यूजफुल होती है, हमें गर्मियों में बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। स्पेशली जो हीट स्ट्रोक और हीट क्रैम्प्स आते हैं, लू लग जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, इन सब से बचाती है। उसका नाम है आम पन्ना। आम पन्ना बहुत ही बेनिफिशियल होता है, इसको बनाना बहुत ही ईजी होता है। और जो भी हम गर्मियों में बाहर निकलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, उसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इतने ज़्यादा नुकसान होते हैं, उन सब से ये बहुत ही बेस्ट होता है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से लोग इसको यूज कर सकते हैं, किन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए, साथ ही साथ इसके बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, गर्मियाँ आते ही हम बाहर जब भी निकलते हैं तो इतना ज़्यादा हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कई बार लू लग जाती है, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए गर्मियों में आम पन्ना एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन होता है। आम पन्ना बनाना बहुत ही ईजी होता है। कच्चा आम जो होता है उससे बनाया जाता है। कच्चे आम को चाहे आप बॉईल करके या फिर इसको आप डायरेक्ट स्टोव पर भून के और इसका पल्प निकाल के बना सकते हैं। इसमें बस कुछ इंग्रेडिएंट जाते हैं, शुगर या जैगरी, और इसके अलावा काला नमक या सेंधा नमक, और साथ में भुना जीरा, थोड़ा बहुत पुदीने की पत्तियाँ, और इसके अलावा थोड़ी बहुत काली मिर्च। तो ये चीज़ें डलती हैं और ये बहुत ही अच्छा सुपर रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक बन के तैयार हो जाता है। इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें विटामिन सी भर भर के होता है, तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा होता है उसको मैनेज करता है। समर हीट में जो हमको लू लग जाती है या हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स आते हैं, उन सब से बचाता है। ये हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको भी बहुत ज़्यादा सुपर ईजी कर देता है। खाना पचाने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें पेक्टिन नाम का एक एंजाइम होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से इम्यूनिटी बढ़ाता है, कैंसर से फाइट करने में हेल्प करता है। गर्मियों में जो फैलने वाली बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, तो इन सबको भी प्रिवेंट करता है। तो ये आम पन्ना बहुत ही यूजफुल ड्रिंक होता है, आप सभी को इसे लेना चाहिए। गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है बॉडी में, जो आपको बहुत ज़्यादा बाहर आप निकल के गए उसके बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार गला सूखता रहता है, प्यास बंद ही नहीं होती, प्यास ऐसा लगता है कि बुझेगी ही नहीं। जब भी आप आम पन्ना पी लेते हैं तो ये प्यास भी आपकी बुझ जाती है और आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है। अब बात करते हैं कि कौन से लोग हैं जिनको आम पन्ना नहीं लेना चाहिए। तो जो लोग हाइपरटेंसिव हैं या जिनको किडनी डिजीजेज है, रीनल डिजीजेज हैं, उनको आम पन्ना अवॉइड करना चाहिए। अगर वो ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, वो ज़्यादा नमक का यूज ना करें, तो इससे उनको ज़्यादा सिर्फ कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जो डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज की बीमारी है, उन लोगों को भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहिए। उनको शुगर या फिर जैगरी ऐड नहीं करना चाहिए इस ड्रिंक में। अगर आप ये चीज़ें नहीं ऐड करते हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं और इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आप लोग आम पन्ना पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, और कैसे आप अपने यहाँ आम पन्ना बनाते हैं, ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।